आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। हरिद्वार में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित सैनी के नेतृत्व में धनौरी कस्बे में विजय संकल्प यात्रा पहुंची, जहां पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता नजर आए। ये यात्रा भाजपा की ओर से पिछले 5 सालों में किए गए विकास कार्यों और भाजपा की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता के बीच में जाकर दी जाएगी। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा प्रत्येक विधानसभा में पूरे उत्तराखंड में निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे हरिद्वार में, हर की पैड़ी से वो करके गए हैं, और आज हल्द्वानी में माननीय मुख्यमंत्री जी और श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा की गई है। ये प्रत्येक विधानसभा में जाने का मतलब ये है हमारा कि जितनी भी हमारी केंद्र सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जितनी भी मूलभूत और बिल्कुल एक तरीके से जो जन उपयोगी और जन सहयोगी और जनता के लिए जो सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और विजय संकल्प यात्रा इसका इसलिए नाम दिया गया है कि विजय यात्रा। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर बहुउद्देशीय टाउन हॉल का लोकार्पण किया गया। वहीं मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मसूरी वासियों के लिए टाउन हॉल की सौगात के साथ ही उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का भी लोकार्पण किया गया है। साथ ही शिफन कोर्ट के निवासियों के लिए आवास बनाने के लिए भी भूमि पूजन किया गया। देखिए, मसूरी हमारा सदाबहार एक पर्यटक स्थल है, यहाँ पर सभी सुविधाएं हों इसके लिए यहाँ पर आज पार्किंग का लोकार्पण हुआ है। मल्टीपर्पज जो पार्किंग बनी है, साथ में पंपिंग योजना का भी जो है यहाँ पर आज लोकार्पण हुआ है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो यहाँ पर पिछले दिनों से जो प्रस्तावित थी, जिनका शिलान्यास हुआ है, उन सभी का लोकार्पण हो रहा है। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि जितने भी हमने शिलान्यास किए हैं, हम सभी का लोकार्पण करेंगे, और जो योजनाएँ हमने शुरू की हैं उन योजनाओं को पूरा करेंगे। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो राज्य है। खबर कलियर से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा विधानसभा क्षेत्र पहुंची। भाजपा नेता मुनीश सैनी और उनके सैकड़ों समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य की सरकार ने जो काम किया है वो अविश्वसनीय है। तो भारतीय जनता पार्टी के काम को अविश्वसनीय बताया है। लगातार विजय संकल्प यात्रा अलग अलग जगह पर जा रही है और कलियर में अब ये पहुंची है, जहां भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा विधानसभा क्षेत्र पहुंची और भाजपा नेता मुनीश सैनी और उनके सैकड़ों समर्थकों ने भव्य स्वागत किया इस संकल्प यात्रा का। इस दौरान समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य की सरकार ने जो भी काम किया है वो अविश्वसनीय है। राज्य के अंदर एक बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, सरकार के 1 लाख करोड़ के काम हुए हैं, तो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, तो किसानों के लिए कार्य हुए हैं, अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। आज 1 लाख करोड़ के जो काम चल रहे हैं, हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से विजय संकल्प रैली का संकल्प लेकर हम जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम उत्तराखंड राज्य में 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद लेने हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
और जो हकीमपुर तुर्रा से प्रारंभ होके और फिर हकीमपुर तुर्रा उसके बावजूद इमली उसके बाद दौलतपुर उसके बाद भगवानपुर भगवान बहादुरपुर सैनी उसके बाद बडेड़ी सब जगह पूरी विधानसभा के अंदर विजय संकल्प रैली जो हमारे पूरे उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है उसी के संदर्भ में आज ये रैली का आयोजन किया गया है और जिसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतना प्यार इतना सम्मान दिया और इतने बढ़ चढ़ कर हमारी रैली को जो सफल बनाया उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं। खबर लक्सर से है जहां के बालावाली गांव में कुछ रोज पहले खेत में जा रहे किसान की ट्रैक्टर से उतर कर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसमें परिजनों की ओर से 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है लेकिन लक्सर कोतवाली पुलिस अभी तक किसी भी हत्यारोपी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। गिरफ्तारी न होने को लेकर गुस्साए परिजन आज सैकड़ों की संख्या में लक्सर कोतवाली पहुंच गए हैं और जमकर हंगामा काट रहे हैं। गुस्साए परिजनों ने कोतवाली गेट पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए तो वहीं बिगड़े हालातों में खानपुर विधायक कुंवर प्रवर सिंह भी चैंपियन ने हस्तक्षेप किया और मामले को सुलझाने की कोशिश की। बता दें कि खानपुर विधायक ने डीजीपी अशोक कुमार पुलिस कप्तान डॉक्टर योगेंद्र रावत और लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी बीएस चौहान के साथ एक बैठक की जिसमें इस बात पर सहमति जताई गई कि लक्सर पुलिस तत्काल आरोपियों के खिलाफ कुर्की करने की कार्रवाई करेगी साथ ही आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की जांच पुलिस क्षेत्राधिकारी मंगलौर को सौंप दी गई है तो वहीं मामले को लेकर खानपुर विधायक कुंवर प्रवर सिंह चैंपियन ने कहा कि लक्सर पुलिस ने हमारी तीनों बातें मान ली हैं जिन्हें जल्द ही अमली जामा पहनाया जाएगा। पुलिस कप्तान योगेंद्र रावत ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी हत्यारोपियों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। कोर्ट में आवेदन किया जाएगा और साथ साथ ही इनके गिरफ्तारी पर इनाम भी आज घोषित किया। आज पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी ने लक्सर में जनता जन संवाद आयोजित किया जिसमें पूरी जनपद से जो शिकायतकर्ता थे। लक्सर उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जन संवाद किया। इस दौरान लक्सर खानपुर सहित जिले के विभिन्न जगहों से आए लोगों ने उनको अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जन संवाद का मतलब है कि लोगों के बीच में आकर उनकी समस्याओं को सुनना और उनसे पुलिसिंग के संबंध में सुझाव प्राप्त करना। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा आदेशित किया गया है कि कम से कम 3 महीने में एक बार हर थाने में जनसंवाद होना चाहिए। उन्होंने बताया कि लक्सर में आकर उनके द्वारा जनसंवाद किया गया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएं भी उनके संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी से संबंधित हैं और कुछ वाहनों से संबंधित हैं और कुछ समस्याएं ड्रग्स और ट्रैफिकिंग से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा सभी समस्याओं को गहराई से सुना गया है और उन्होंने समस्याओं का समाधान निकालने की बात भी कही है। देखिए जनसंवाद का पर्पज है लोगों के बीच आकर के लोगों की समस्याओं को सुनना और उनसे सुझाव प्राप्त करना पुलिसिंग के संबंध में। तो हमने ये आदेशित किया है कि हर थाने में कम से कम 3 महीने में जनसंवाद जरूर होना चाहिए हर थाने में। तो किसी में SSP जाएंगे, किसी में SP एडिशनल SP जाएंगे, किसी में DIG जाएंगे। उसी कड़ी में हमारा प्रयास था ये लक्सर क्षेत्र में आकर के हमने लोगों से जनसंवाद किया है और यहाँ की बहुत सारी समस्याएँ भी हमारे संज्ञान में आई हैं। उनमें से कुछ थाना चौकी की इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ गाड़ियों से संबंधित है और कुछ जो है लोगों की समस्याएं जो ड्रग्स और ट्रैफिक आदि को लेकर के थी। तो सब के बारे में हमने वहीं बर्फीली हवाओं से समूचा उत्तराखंड ठिठुर रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कई जगह प्राकृतिक जल स्रोत जम गए हैं। केदारनाथ और औली में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे है जबकि देहरादून पंतनगर मुक्तेश्वर और टिहरी में न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मसूरी और नैनीताल सर्द हवा की चपेट में है। मौसम विभाग ने मंगलवार से गुरुवार तक उत्तराखंड में शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञ उधम सिंह नगर और हरिद्वार शीतलहर से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में पाला गिरने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।